हेलो दोस्तों, मैं हूँ माधवी और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है माधवीज़ किचन में। आज मैं अपने किचन में बनाने वाली हूँ टेस्टी और हेल्दी सुपर क्रिस्पी कॉर्न पोटैटो बाइट्स। ये बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में और साथ में काफ़ी हेल्दी होते हैं, क्योंकि इसमें हमने कॉर्न का यूज़ किया है और ये बहुत क्विकली झटपट बन जाते हैं और इतने ज़्यादा सुपर क्रिस्पी होते हैं ना कि आप इसे बहुत लाइक करेंगे खाना। जब भी आपको कुछ टेस्टी चटपटा कुरकुरा सा खाने का मन करे, आप इसे बना सकते हैं। बहुत ही जल्दी बन जाता है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, सबको पसंद आता है। और आप इसे फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं और जब भी आपका मन करे आप इसे फ्राई करके खा सकते हैं। दोस्तों, आई होप ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर ये रेसिपी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल का आइकन है उसे दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, आइए फिर स्टार्ट करते हैं बनाना ये कॉर्न पोटैटो बाइट्स। इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे आधा कप बॉयल किए हुए स्वीट कॉर्न, और या फिर आप अपने घर में ही मकई के दानों को बॉईल करके यूज़ कर सकते हैं। बॉईल करने का तरीका मैं आपको इस वीडियो के अंत में बताऊंगी। तो इसे हम सबसे पहले कोर्सली ग्राइंड करेंगे। मैंने ग्राइंडर में डाल दिया है स्वीट कॉर्न को, और ये देखिए मैंने इसे कोर्सली ग्राइंड कर लिया है। आपको मैं स्पून से निकाल कर दिखाती हूँ कि मैंने इसे कैसे ग्राइंड किया है। ये देखिए, इसे पूरा पाउडर हमें नहीं बनाना है, इसे कोर्सली ग्राइंड करना है। ये देखिए इस तरह से। तो आइए अब हम पोटैटो बाइट्स के लिए डो बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे दो बड़े आलू लिए हैं बॉईल किए हुए। पहले आलू को हम इस तरह से ग्रेट कर लेंगे। ग्रेट करने से क्या होगा, जो हमारा डो है वो स्मूथ बनेगा, उसमें बड़े बड़े लम्स नहीं होंगे। आप चाहे तो मैश भी कर सकते हैं आलू को। और इसमें हम डाल देंगे कोर्सली ग्राइंड किए हुए स्वीट कॉर्न। स्वाद के अनुसार डाल देंगे हम इसमें नमक। एक चौथाई टीस्पून के करीब डालेंगे हल्दी पाउडर, आधा टीस्पून रेड चिली पाउडर, आधा टीस्पून जीरा पाउडर, एक चौथाई टीस्पून गरम मसाला पाउडर और आधा टीस्पून इसमें डाल देंगे आमचूर पाउडर, या आपके पास अगर चाट मसाला हो तो डाल सकते हैं। और आधा कप इसमें मैं डालूंगी ब्रेड क्रम। चार स्लाइस ब्रेड को मैंने ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है और ब्रेड क्रम बना लिया है। और इसमें हम ऐड करेंगे दो टेबल स्पून फाइनली चॉप किया हुआ हरा धनिया, और सारी चीज़ों को अच्छे से इस तरह से मसलते हुए मिलाएंगे और इसका एक डो बना लेंगे हम। आप चाहे तो इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं टेस्ट के लिए। तो ये देखिए, इस तरह का हमारा डो तैयार हो गया है। तो आइए अब हम इससे बाइट्स बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक प्लेट ले लिया है, और अब हम हाथों को थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे और इसमें से छोटे छोटे पोर्शंस निकालेंगे हम। छोटे छोटे पोर्शंस हमें लेने हैं डो में से, और इसे हम इस तरह से हाथों से पहले इसे बॉल का शेप देंगे और उसके बाद थोड़ा सा इसे दबाते हुए हल्का सा लंबा करके इस तरह का पोटैटो बाइट्स का शेप दे देंगे हम। ये देखिए इस तरह से। तो ये देखिए, हमारा एक कॉर्न पोटैटो बाइट रेडी है। ये देखिए, इसी तरह से हम सारे पोटैटो बाइट्स बना लेंगे। ये काफ़ी आसान है और बहुत ही झटपट बन जाता है, और इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स भी नहीं चाहिए। अगर आपको ऑयल कम पसंद है, अगर आप फ्राई नहीं करना चाहते हैं, तो इस डो से आप छोटी छोटी टिक्की बनाकर उसे तवे पर या पैन में शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। वो भी बहुत टेस्टी लगता है और बहुत ही कुरकुरा बनता है। कॉर्न बाइट्स बनाकर रेडी कर लिए हैं। इसे स्टेज पर हम फ्रीज़र में एक वीक तक के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। जब भी मन करे हमें ये खाने का, इसे फ्राई करके खाया जा सकता है। तो आइए दोस्तों, कॉर्न पोटैटो बाइट्स को अब हम फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल गरम कर लिया है पैन में। सफिशिएंट ऑयल मैंने गरम कर लिया है। ऑयल अच्छे से गरम हो गया है, तो एक एक करके इसमें हम डालेंगे कॉर्न बाइट्स। फ्लेम हम रखेंगे मीडियम। तेल हमारा अच्छा गरम होना चाहिए। अगर कम गरम तेल में हम ये बाइट्स डालेंगे ना, तो ये बाइट्स टूटने लग जाएंगे, इसलिए तेल अच्छे से गरम होना चाहिए। तो ये देखिए, पोटैटो बाइट्स मैंने डाल दिए हैं, और इस तरह से इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे और इसे चारों तरफ अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। एक बार में हमें ज़्यादा कॉर्न बाइट्स नहीं डालने हैं, नहीं तो सारे कॉर्न बाइट्स हमारे टूटने लगेंगे या एक दूसरे के साथ चिपकने लगेंगे। तो ये देखिए, हमारे जो कॉर्न बाइट्स हैं चारों तरफ अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, एकदम क्रिस्पी हो गए हैं। तो हमारे जो कॉर्न बाइट्स हैं एकदम तैयार है फ्राई होकर। अब इसे हमें निकाल लेना है ऑयल में से। एकदम बढ़िया क्रिस्पी कॉर्न बाइट्स हमारे बनकर रेडी हो गए हैं। ये देखिए
कितना अच्छा कलर आया है इनका और एकदम सुपर क्रिस्पी बने हैं। तो इन्हें हम ऑयल में से अलग निकाल कर रख लेंगे। ये देखिए कितने टेस्टी लग रहे हैं देखने में। तो इसी तरीके से हमें सारे कॉर्न पोटैटो बाइट्स को फ्राई कर लेना है। ये बनाने में काफ़ी आसान है और एकदम इजी सी रेसिपी है, इसे कोई भी बना सकता है, बच्चे भी इसे बना सकते हैं, इतनी आसान सी ये रेसिपी है। ये देखिए इस तरीके से जितना पोटैटो बाइट्स एक बार में आ जाए उतना ही हम डालेंगे, बहुत ज़्यादा हमें बाइट्स नहीं डालना है। और इस तरह से हम चलाते हुए फ्राई करेंगे ताकि जो बाइट्स है वो चारों तरफ इवनली फ्राई हो जाए। तो ये देखिए इसी तरीके से हम ये टेस्टी कॉर्न बाइट्स फ्राई करके रेडी करेंगे। तो ये देखिए हमारे कॉर्न पोटैटो बाइट्स बनकर रेडी हैं, काफ़ी टेस्टी और डिलीशियस लग रहे हैं देखने में। देखते ही मुँह में पानी आ रहा है, इतने टेस्टी लग रहे हैं ये। आप देख सकते हैं कितने क्रिस्पी बने हैं ये। इसे सर्व करेंगे अपनी फेवरेट चटनी या सॉस के साथ। तो मैं यहाँ पर इसे सर्व कर रही हूँ टोमेटो सॉस और पुदीने की चटनी के साथ। तो ये देखिए दोस्तों हमारे कॉर्न पोटैटो बाइट्स बनकर रेडी हैं, लग रहे हैं ना एकदम देखने में मज़ेदार, खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं और साथ ही काफ़ी हेल्दी हैं। तो एक बार ट्राई करना तो बनता ही है, इसे ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आपको रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। एक कॉर्न बाइट मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह से तोड़ के। ये देखिए बाहर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से नरम, बहुत टेस्टी लगते हैं ये खाने में। इसे ट्राई कीजिए और इन्जॉय कीजिए। बच्चों को भी ये काफ़ी पसंद आते हैं तो उनको भी खिलाइए, काफ़ी हेल्दी रेसिपी है। तो दोस्तों आइए लास्ट में मकई को बॉईल करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे दो मकई ली है और इसे मैंने हाफ हाफ इस तरह से कट कर लिया है ताकि इसे बॉईल करने में ईजी हो हमें। कुकर में इसे डाल लेंगे और इसमें हम डालेंगे पानी ताकि ये जो मकई है हमारी पानी में डूब जाए, इतना पानी हमें लेना है। ये देखिए और अब हम इसमें डाल देंगे 2 टीस्पून नमक और कुकर को बंद करके हम इसे बॉईल करेंगे। बॉईल हमें करना है 7 से 8 विसल तक और उसके बाद हम इसे छोड़ देना है। जब प्रेशर रिलीज़ हो जाए तब हम इसका ढक्कन खोलेंगे। और ये देखिए हमारे जो मकई के दाने हैं अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। अगर हम इन्हें इस तरह से मैश करेंगे तो उंगलियों के बीच ये मैश हो जाते हैं। तो मकई को अब हम कुकर से निकाल लेंगे और इसके दानों को निकालने के लिए हम इस तरह से चाकू से आसानी से इसके दानों को निकाल सकते हैं। ये देखिए काफ़ी आसानी से ये अलग हो जाते हैं बॉईल होने के बाद। तो इस तरह से हम मकई के दानों को बॉईल करके अलग कर लेंगे। तो दोस्तों इस तरह से मैं मकई बॉईल करती हूँ और आप चाहें तो स्वीट कॉर्न जो पैकेट में मिलता है उसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए ये मकई के दाने हमारे रेडी हैं बॉईल किए हुए, आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये बॉईल हुए हैं। तो दोस्तों आई होप ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी और मैंने जो टिप्स बताए हैं वो भी आपको पसंद आए होंगे। तो दोस्तों मिलते हैं मेरी ऐसी ही एक आसान सी रेसिपी के साथ मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।